हेलो दोस्तों, वेलकम टू उमोनी। दोस्तों, आपके पास भी अगर जियो का सिम है, आप भी प्रॉब्लम में हो, बहुत परेशान में हो कि आपका जियो का नेट का स्पीड बहुत ही स्लो चल रहा है, बहुत ही लो चल रहा है दोस्तों, तो ये वीडियो आप लोग शुरू से लास्ट तक देखना, क्योंकि इस वीडियो में आप लोगों के साथ ऐसा एक ट्रिक शेयर करने वाला हूँ जिसके मदद से आप लोगों को मैं दिखाऊंगा लाइव कि आपका जियो का नेट का स्पीड बहुत ही ज्यादा बढ़ जाएगा। दोस्तों, अगर ये ट्रिक्स को आप लोग भी अप्लाई करोगे तो आप लोग खुद हैरान हो जाओगी कि पहले से बहुत ज्यादा आप लोगों का नेट का स्पीड मिल रहा है। दोस्तों, आप लोगों को क्या करना होगा, मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से जल्दी सब्सक्राइब बटन में क्लिक करके मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लो, और सब्सक्राइब के पास वाला जो बेल आइकन है उसको भी दबा देना। तो दोस्तों, चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, आप लोगों को क्या करना पड़ेगा, आपके पास अगर माई जियो एप्लीकेशन है तो ठीक है, नहीं तो एप्लीकेशन को पहले इंस्टॉल कर लो गूगल प्ले स्टोर से। तो मेरा डिस्क्रिप्शन में भी मैं लिंक दे दूंगा। तो माई जियो एप्लीकेशन को इंस्टॉल करने के बाद उसको ओपन करना, ओपन करने के बाद इसका इंटरफेस कुछ ऐसा शो करेगा, आप सब जानते ही हो माई जियो आपको, ठीक है। तो इंस्टॉल करने के बाद दोस्तों एप्लीकेशन का जो अपडेटिंग यहां पर शो करेगा, तो अपडेट हो जाने के बाद दोस्तों आप लोगों को नीचे आना है। नीचे आने के बाद यहां पर आप लोगों को शो करेगा, दोस्तों मैं आप लोगों को दिखाता हूं, यहाँ पर शो करेगा जियो एप्स नॉट येट इंस्टॉल्ड। तो यहाँ पर आप लोगों को स्लाइड करना होगा, स्लाइड करने के बाद आप लोगों को यहाँ पर शो करेगा, मैं आप लोगों को दिखाता हूँ, नेट वेलोसिटी। तो दोस्तों, आप लोग अगर नेट वेलोसिटी को आपका मोबाइल में इंस्टॉल है तो ठीक है, नहीं तो इसको इंस्टॉल कर लेना। ये जियो का ऑफिशियल एप्लीकेशन है नेटवर्क नेट स्पीड टेस्ट करने के लिए। दोस्तों, आप लोग शायद सोच रहे हो कि कैसे इससे आपका नेट स्पीड बढ़ जाएगा। दोस्तों, आप लोग वीडियो को स्किप मत करो, लास्ट तक देखो, तो आप लोगों को मैं ऐसा ट्रिक्स देने वाला हूँ जिसके मदद से आपका नेटवर्क स्पीड 100% पहले से बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा। तो दोस्तों, आप लोग देख सकते हो मेरा मोबाइल पे जो मैं एप्लीकेशन को इंस्टॉल किया था नेट वेलोसिटी, वो इंस्टॉल हो गया है। इंस्टॉल होने के बाद दोस्तों आप लोगों को उसको ओपन करना होगा, तो फिर आई एक्सेप्ट में क्लिक करना होगा। तो फिर यहाँ पर जितने भी आप लोगों को परमिशन अलाउ करने को बोल रहा है तो आप लोगों को सब अलाउ कर देना होगा। उसके बाद आप लोगों को दोस्तों नेट वेलोसिटी नीड टू एक्सेस योर लोकेशन, तो यहाँ पर से आपका गूगल मोबाइल का जो लोकेशन सर्विसेस है उसको ऑन करना होगा। ऑन करने के बाद आप लोग बैक करो। तो दोस्तों, आप लोगों को क्या करना होगा, यहाँ पर स्टार्ट टेस्ट में क्लिक करना होगा, ठीक है। तो पहले मैं आप लोगों को एक सेटिंग करके दिखाता हूँ। यहाँ पर आप लोग देखिए मोड का ऑप्शन आप लोगों को मिल रहा है, तो मोड में क्लिक करना होगा, तो फिर यहाँ पर सेटिंग में क्लिक करना होगा। सेटिंग में क्लिक करने के बाद दोस्तों यहाँ पर आप लोगों को सर्वर सिलेक्शन में क्लिक करना होगा। दोस्तों, लोकेशन नॉट फाउंड बोल रहा है, तो सपोज मैं लोकेशन ऑन नहीं हुआ, शायद लोकेशन सर्विस ऑन हो गया है। तो यहाँ पर ऑटोमेटिक यहाँ पर ऑटो सिलेक्ट रहेगा, लेकिन दोस्तों मेरा लोकेशन नॉट फाउंड बोल रहा है, तो आप लोग यहाँ पर सर्वर लोकेशन में क्लिक करना। तो सर्वर सिलेक्शन में क्लिक करने के बाद यहाँ पर आप लोगों को लोकेशन शो करेगा। दोस्तों, आप लोग लोकेशन यहाँ से सिलेक्ट कर लेना। सिलेक्ट करने के बाद दोस्तों यहाँ पर एडवांस मोड, ठीक है, एडवांस मोड में आप लोगों को क्या करना होगा, एडवांस मोड में आप लोगों को यहाँ पर ऑन करना होगा एडवांस मोड को, ठीक है। तो एडवांस मोड को ऑन करने के बाद दोस्तों आप लोगों को सिंपली इसको बैक करना होगा। बैक करने के बाद आप लोग स्टार्ट टेस्ट में क्लिक करो, तो फिर आपका जो टेस्ट करके देखो आपका कितना स्पीड दे रहा है। कनेक्टिंग टू सर्वर यहाँ पर शो कर रहे दोस्तों, ये जो मेरा डाउनलोडिंग स्पीड शो करेगा, अभी जो स्पीड मेरे को दिखाएगा ये मेरा डाउनलोडिंग स्पीड होगा, ठीक है। ये कनेक्टिंग हो रहा है, देखिए दोस्तों अभी जो स्पीड मेरे को शो करेगा ये मेरा डाउनलोडिंग स्पीड होगा, 3 Mbps आप लोग देख सकते हो। देखिए दोस्तों 2.5 से 3 Mbps मेरा डाउनलोडिंग स्पीड है, आप लोग देख सकते हो। अभी मेरा अपलोडिंग स्पीड टेस्ट करेगा, तो मेरा अपलोडिंग स्पीड भी आप लोगों को देखा दोस्तों, देखिए बहुत ही ज्यादा है, 1.42 Mbps/s में मेरा अपलोडिंग स्पीड है, तो बहुत ही ज्यादा स्पीड है आप लोग देख सकते हो। पहले मेरा इतना स्पीड नहीं था, लेकिन दोस्तों ये सेटिंग करने के बाद मेरा जो जियो का स्पीड बहुत ही बढ़ गया है। दोस्तों, इस यही ट्रिक से आप लोग का जियो का, आप लोगों के पास भी अगर जियो सिम है और उसका स्पीड बहुत ही लो चल रहा है, दोस्तों ये सेटिंग आप लोग करके देखो, पहले से बहुत ही ज्यादा आपका नेट का स्पीड बढ़ जाएगा। दोस्तों, वीडियो कैसा लगा मेरे को जरूर कमेंट करके बोलना, और आपका स्पीड बढ़ा है तो जरूर कमेंट करके बोलना। दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद।